हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम बहुत ही हटके कुछ बॉय होने की सिम्टम्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत खास है आपके लिए। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। उससे पहले, अगर आपने प्रेगनेंसी नॉलेज हेल्प चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जैसे ही हमें पता चलता है कि अब हम माँ बनने वाले हैं और एक नन्ना मुन्ना मतलब गर्ल या फिर बॉय कुछ भी आने वाला है इस दुनिया में, तो हमें कितनी ज़्यादा जिज्ञासा होने लगती है कि क्या आने वाला है, लड़का या फिर लड़की, है ना। तो हर एक महिला को उत्सुकता होती है ये जानने की। मुझे भी हुआ करती थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर आप भी जानना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा फुल वॉच नहीं करते हैं, फिर आप कमेंट करते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले बात करेंगे हम पहले लक्षण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको नारियल दिखाई देता है, चाहे वो सूखा नारियल हो या फिर हरा नारियल हो, अगर आपको बिल्कुल सही आकार में नारियल दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और ये लड़का होने के संकेत को दर्शाता है। हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि अगर गर्भवती स्त्री अपने सपने में नारियल को देखती है तो उनके लिए बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि जो नारियल होता है अक्सर हम पूजा में यूज़ करते हैं, चाहे वो सूखा नारियल हो या फिर मतलब जिसे हम कच्चा नारियल बोलते हैं। तो अगर आप दोनों तरह के किसी भी नारियल को देखती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहद शुभ फल है, मतलब आपको आने वाले समय में पुत्र धन की प्राप्ति होने के ये संकेत आपको पहले ही दर्शा देता है। काफ़ी ये मानते भी हैं लोग, काफ़ी सारे लोग होते हैं मानते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी अक्सर हमें बताया करते हैं। तो अगर आपको, लेकिन ये ध्यान देना होगा, अगर आपने सही आकार में नारियल को देखा है तो ये बॉय होने के संकेत हो सकते हैं, लेकिन वहीं आप खुद को मतलब स्वयं को तोड़ते हुए नारियल को देख रही हैं या फिर मतलब ख़राब नारियल को देख रही हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर ऐसा सपना देखती हैं तो। अगर आप सही आकार में नारियल को देखती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल है, बहुत ही शुभ संकेत है और सीधा लड़के की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं हम दूसरे लक्षण के बारे में। जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको जैसे कि सब्जियों में जैसे कि बैंगन हो गया, टमाटर, कहने का मतलब ये है, अगर आपको पुरुष संगति की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं तो भी माना जाता है कि आपके आने वाले समय में आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि कुछ ऐसे सपने होते हैं, मुझे भी ये सपने प्रेगनेंसी में बहुत आते थे, मेरे मतलब बेटे के टाइम पर मुझे पुरुष संगति की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, जैसे कि आलू, बैंगन, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम मेल से जोड़ते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। माना जाता है कि अगर पुरुष संगति की चीज़ें गर्भवती महिलाएं ज़्यादा देखती हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, मतलब ये संकेत उन्हें देते हैं कि आपके घर में आने वाला नन्ना मुन्ना मेहमान राजकुमार है। गाइस, बात कर लेते हैं हम तीसरे लक्षण के बारे में, जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है और मतलब हर किसी को दिखाई नहीं देता है। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे दिखाई दिया था मेरे बेटे के टाइम पर। अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको शिवलिंग दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग लड़के का प्रतीक होता है। अगर गर्भवती महिला शिवलिंग को देखती है या फिर शिवलिंग की पूजा करते हुए स्वयं को देख रही है या फिर अन्य किसी महिलाओं को देख रही है या फिर पुरुषों को देख रही है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपको बेटे की मतलब आपके घर में नन्ना मुन्ना जो भी मतलब संतान आने वाली है वो पुत्र होगा, तो ऐसा माना जाता है। जिन महिलाओं को शिवलिंग दिखाई देती है तो हमें ये संकेत देते हैं कि आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान
पुत्र होने वाला है। तो अगर आपको ये सपना दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सपने जो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं, बताए हैं, वो मुझे मेरे बेटे के टाइम पर दिखाई दिए थे। और ये जो सिबलिंग होता है हर किसी को दिखाई नहीं देता है, ख़ास करके गर्भवती महिलाओं को। अगर गर्भवती महिलाओं को ये चीज़ दिखाई देती है तो बेहद ही शुभ फल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट लक्षण के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में जैसे कि फलों को देख रही हैं, जैसे कि आम हो गया, अनानास हो गया, ऐसी चीज़ें देख रही हैं जिसे हम मेल से जोड़ते हैं, पुरुष संगति की चीज़ें, मतलब फलों में पुरुष संगति की चीज़ें ज़्यादा देखती हैं, तो माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है और आपके घर में आने वाला नन्ना मुन्ना मेहमान मतलब पुत्र होगा। तो ऐसी चीज़ें मुझे भी मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आप मतलब फलों को कटा हुआ देखते हैं, खुद को काटते हुए देखते हैं, या फिर सड़ा हुआ देखते हैं, या फिर ख़राब देखते हैं, गाइस ऐसी चीज़ें प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ख़ास करके अगर आप कटे हुए फलों को देख रही हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है, या फिर ख़राब फलों को देख रही हैं तो भी अच्छा नहीं माना जाता है। अक्सर हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि गर्भवती स्त्रियाँ अगर सड़े हुए कटे हुए फलों को देखती हैं या फिर स्वयं को फल काटते हुए देखती हैं तो भी ये अच्छे संकेत नहीं हो जाते हैं। आपके आने वाले समय में आपको परेशानियाँ की ओर ये इशारा करते हैं, आने वाले समय में आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आपको जब भी ये मतलब सपने आए तो आपको पहले ही सावधान रहना चाहिए, और अपने बच्चे को, और मतलब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको हमेशा डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए। गाइस ये थी कुछ जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो से अपना थोड़ा अंदाज़ा लगा सकती हैं, कभी कभी ये जो सपने होते हैं कभी सच भी साबित हो जाते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सारी बातें बताई गई हैं जो मेरे बेटे के टाइम पर मुझमें काफ़ी सारी ये सपने दिखाई दिए थे, और काफ़ी सारी महिलाओं में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। तो सिर्फ एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर किया गया है ताकि आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम हो और आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमारा ये एम बिल्कुल भी नहीं है, चाहे फिर बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों ही आर्ट्स की फील्ड में दोनों ही बराबर है, समान प्यार और दोनों को अधिकार दीजिएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने बच्चे का ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद।